हेलो टू ऑल फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित राणा। आज हम लोग पैरामीशियम के सेकंड पार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने पैरामीशियम का पहला पार्ट देख लिया था और वहाँ पर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। आज इसके इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में समझना है, लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। इसके थर्ड पार्ट में हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज हम इसके थोड़ा सा जो इंटरनल पार्ट है, इसमें क्या क्या इंटरनल पार्ट होते हैं, जो मेन कंपोनेंट्स हैं, बस उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। और एक शॉर्ट नोट आता है आस्मो रेगुलेशन पर, आस्मो रेगुलेशन पर एक शॉर्ट नोट आता है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट टू है, सॉरी मैंने पार्ट वन डाल के रखा है, और पहला वाला पार्ट मैंने डाल दिया है और पहले से ही पड़ा हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वहाँ पर मैं क्या मतलब जो है ना, इसका एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा इसका पार्ट वन, और डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट वन को मैं डाल दूंगा। अगर आप पार्ट टू देख रहे हैं तो ये वीडियो जो नए यूज़र्स हैं उनको, अगर सॉरी नए व्यूअर्स जो हैं उनको अगर पहली बार ये वीडियो देखने को मिल रहा है तो आप पार्ट वन देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में और इंड स्क्रीन में लगा दूंगा इसका सेटअप। चलिए तो इंटरनल स्ट्रक्चर और पैरामीशियम की बात करते हैं, तो उसमें पहला पॉइंट जो हमको समझना रहता है वो इसका होता है साइटोप्लाज्म। क्या रहता है साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म आप सभी जानते हैं क्या होता है, कि एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हर एक कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर पाया जाने वाला कंपोनेंट, और ये मेन कंपोनेंट होता है। अगर ये नहीं पाया जाएगा तो सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो भी नहीं होंगी। चलिए तो देखते हैं पैरामीशियम। चलो भाई बताओ साहब, तो कह रहा है पैरामीशियम की प्रत्येक सेल में एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह साइटोप्लाज्म पेलिकल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है, दैट मीन्स कवर्ड रहता है, जिसे दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है? दो पार्ट में, जिन्हें क्रमशः एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है, बाहर की तरफ। बाहर कहने का मतलब है कि सेल के बाहर नहीं रहता, सेल के अंदर ही रहता है, लेकिन पेलिकल की तरफ, जो पेलिकल की तरफ पाया जाता है। मान लो ये एक कवरिंग है, इसकी तरफ जो साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है इसको हम लोग बोलेंगे एक्टोप्लाज्म। उसके जस्ट अंदर इधर भी कवरिंग होगी, तो मान लो ये दो कवरिंग है इसके बोथ साइड, दैट मीन्स इसके सरफेस के पास में जो साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड भरा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, और जो सेंट्रल पार्ट में उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एंडोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में क्या कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए बी हेडिंग यहाँ पर पड़ी है, न्यूक्लियस मेन कंपोनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पैरामीशियम की सेल हेट्रोकैरियोटिक होती है। कैसी होती है? हेट्रोकैरियोटिक होती है, अतः प्रत्येक सेल में दो अनसिमिलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दो अनसिमिलर मतलब असमान प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इनमें बड़े आकार का न्यूक्लियस किडनी शेप, ब्रक के आकार का होता है, जिसे मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, जो मेनली सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, लाइक उपापचय क्रिया जो सेल के अंदर हो रही, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें स्मॉल साइज वाला माइक्रोन्यूक्लियस भी पाया जाता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ हेट्रोकैरियोटिक में, दैट मीन्स यहाँ पर जो लार्ज न्यूक्लियस है इसके बारे में समझना है। किडनी शेप होता है और ये, इसको मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके एज वेल एज, इसके साथ साथ ये जो महाशय है कौन, अरे यार मैक्रोन्यूक्लियस, ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कराता है, ठीक है, और स्मॉल भी रहता है, ऐसा नहीं स्मॉल वाला नहीं करता है। देखिए सी, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पैरामीशियम सेल के साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म वाले भाग में दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं। कितनी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं? टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं, तथा दोनों वैक्यूल्स अपने पोजीशन कहाँ पर, अपर साइड में, लोअर साइड में, दैट मीन्स एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड पर, अपर साइड एंड लोअर साइड पोजीशन में अरेंज रहती है। प्रत्येक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के चारों ओर 6 से 10 लंबी कॉमा पतली रेडियल कैनाल, लंबी कॉमा पतली रेडियल कैनाल पाई जाती है, तथा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के एंड्स पर, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के जो एंड है वो एंड पर एक माइन्यूट पोर, एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है, जिसे या जो इसकी मेम्ब्रेन, यानी कि इसका जो पेलिकल मेम्ब्रेन है उसके द्वारा
जो उसकी मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। किसकी मेम्ब्रेन से? पैरामीशियम की मेम्ब्रेन से क्या रहता है? अटैच रहता है। चलिए फिर वहीं देखिए नई लाइन से, गर्मी बहुत है यार। पैरामीशियम सेल में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन, पैरामीशियम सेल में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन कोशिका में पाए जाने वाले वाटर लेवल को, कोशिका में पाए जाने वाले वाटर लेवल को मेंटेन करता है, यानी कि उसको ये सही बनाए रखता है, तथा इस विधि को आस्मोरेगुलेशन, क्या कहते हैं? आस्मोरेगुलेशन, इस पर शॉर्ट नोट भी आता है, मैं अभी लिखाऊंगा आपको, आस्मोरेगुलेशन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन आस्मोसिस, मेन फंक्शन क्या होता है इसका? आस्मोसिस की क्रिया को कंट्रोल करना होता है। किसकी क्रिया को कंट्रोल करना होता है? आस्मोसिस की क्रिया को कंट्रोल। अरे यार, आस्मोसिस, डिफ्यूज़न, ये सब तो आपको मालूम होगा ना। आस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है? देखिए, डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस होता है, विसरण एक ऐसा प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि कहीं पर मान लीजिए आपने परफ्यूम डाला है कहीं पर, तो वो धीरे 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 क्या होता है, मान लो यहाँ पर मैंने परफ्यूम डाला, तो किसी दूसरे प्लेस पर, मतलब कहीं दूर ज़्यादा नहीं, इसी कमरे में ही, इसी रूम में ही, इसी हॉल में ही, क्या है कि वहाँ तक ये परफ्यूम क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, वहाँ तक स्मेल इसकी पहुँचेगी। ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़ कर रहा है। लाइक आपने देखा होगा कि कमरे में अगर धुआं ज़्यादा भरने लगता है तो वो धुआं दरवाजे और हम कह सकते हैं विंडो के थ्रू बाहर निकलने का प्रयास करता है, मतलब निकलने का प्रयास क्या करता है, बाहर निकलता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन धुएं का हाई है, लेकिन एटमॉस्फियर में बाहर जब आप देखते हैं तो वहाँ पर कंसंट्रेशन जो है धुएं का कम है, तो धुआं जो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चला जाता है। या पानी को आप देख लीजिए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आस्मोसिस, आस्मोसिस भी यही कहता है। यहाँ पर भी वही है कि कोई भी सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक खास बात है। खास बात क्या है कि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। भाई आस्मोसिस के लिए, आस्मोसिस के लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, या एक परमिएबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको क्रॉस करके क्या होता है, वाटर सॉलिड लिक्विड को जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर डिफ्यूज़न में ऐसा कुछ नहीं है। डिफ्यूज़न क्या है? ये एटमॉस्फियर में होता है। कहाँ होता है? एटमॉस्फियर में। सर ये कहाँ होता है? ये मेनली सेल के अंदर होता है, कह सकते हैं मेनली कहाँ होता है, कोशिकाओं के अंदर ही देखा गया। चलिए आगे देखें, नई लाइन से लिखिएगा। इन वैक्यूल द्वारा वाटर लेवल को सेल में कंट्रोल किया जाता है, तथा वाटर की मात्रा अधिक होने पर, वाटर की मात्रा अधिक होने पर इन वैक्यूल्स के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करके, मतलब सेल के अंदर जब वाटर ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो जाएगा, तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके बाहर रिलीज कर देता है। बाहर क्या करता है कौन? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? बाहर की ओर रिलीज कर देगा। नई लाइन से देखिए। पैरामीशियम की सेल के अंदर इन स्ट्रक्चर्स के अलावा भी कई और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन स्ट्रक्चर्स के अलावा भी कई और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म के एक्टोप्लाज्म वाले भाग में पाए जाते हैं, जिन्हें ट्राइकोसिस्ट कहते हैं, जो कि सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया इसका, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आप ज़्यादा लिखने का दरकार नहीं, आप इतना ही लिख सकते हैं, आपको नंबर एग्जामिनर देगा। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट, चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं आस्मोरेगुलेशन के बारे में। आप आस्मोरेगुलेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हम कह सकते हैं, और इसे शॉर्ट नोट भी आता है बच्चों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, हो सकता है कि इस साल के हर साल यार इससे क्वेश्चन फंसता है, तो शॉर्ट आंसर जो आते हैं उसमें ये बैठा हुआ मिल जाता है, तो आस्मोरेगुलेशन आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, आस्मोरेगुलेशन होता है किसके द्वारा? तो आस्मोरेगुलेशन जो होता है वो मेनली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं वैक्यूल्स के द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, पैरामीशियम यूनिसेलुलर प्रोटोजोन, एक कोशिकीय प्रोटोजोन होता है जिसकी प्रत्येक सेल में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी कि 2 संकुचनशील रिक्ति का, इसको निम्न कहते हैं, 2 संकुचनशील रिक्ति का उपस्थित होती हैं, जो साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म में एंटीरियर एंड, मतलब कि ऊपरी अवस्था, तथा पॉस्टीरियर एंड, मतलब नीचे वाली साइड में, पॉस्टीरियर एंड पर स्थित रहती हैं या अरेंज रहते हैं। प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक हालो लाइक स्ट्रक्चर, एक गड्ढेनुमा रचना के रूप में होती है, प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों ओर 6 से 10
प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल के चारों ओर 6 से 10 लंबी रेडियल कैनाल, या इसी को हम लोग बोलते हैं फीडल कैनाल, लंबी रेडियल कैनाल या फीडल कैनाल अरेंज रहती है। अभी रेडियल कैनाल फीडल कैनाल यहाँ पर देखिए, ये एंटीरियर इंड होता है, ये पोस्टीरियर इंड है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल यहाँ, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल यहाँ, यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल है इसके चारों तरफ 6 से 10 रेडियल कैनाल पाई जाती हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या रेडियल कैनाल, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या फीडल कैनाल, ठीक है ना, अरेंज रहती है। पैरामीशियम की प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल का मेन वर्क यानी कि मुख्य कार्य ऑस्मोसिस की क्रिया को, मुख्य कार्य ऑस्मोसिस की क्रिया को कंट्रोल करना होता है। अतः यह साइटोप्लाज्म में वाटर लेवल का या वाटर लेवल को कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, जो जल है उसकी मात्रा को यह क्या करता है, बनाए रखता है, सही बनाए रखता है, यानी कि ज़्यादा अगर जल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। नई लाइन से देखिए, पैरामीशियम की सेल एंडोऑस्मोसिस, मतलब कि अंदर की तरफ सेल के अंदर ही एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, पैरामीशियम की सेल एंडोऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा लगातार वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती है। इनके साइटोप्लाज्म में, यानी कि इनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें, इनके साइटोप्लाज्म में वाटर लेवल बढ़ जाने पर साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन, यानी कि इसका जो कंसंट्रेशन है एक्सटर्नल मीडियम, यानी कि जिस स्थान पर जिस स्थान पर पैरामीशियम पाया जाता है वहाँ पर वाटर होता है, तो वाटर जहाँ पर पाया जा रहा है, मान लीजिए कि इसके अंदर एक्सेस वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर हो गया इन कंपेरिजन टू बाहर, मतलब आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द सेल कह सकते हैं, एक्सटर्नल मीडियम के कंपेरिजन में या तुलना में बढ़ जाता है, यानी कि इसके अंदर जो है पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा बाहर की तुलना में, जिससे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के लगातार कॉन्स्ट्रक्शन तथा रिलैक्सेशन, कॉन्स्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। डायस्टोल हो रहा है, सिस्टोलिक हो रहा है, ये हम लोग हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं ह्यूमन का इंटर में, सॉरी 11th में। अब कॉन्स्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने पर साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले वाटर की मात्रा कंट्रोल रहती है, ठीक है ना, वाटर की मात्रा नियंत्रित रहती है। नलन से लगातार जल के एब्जॉर्प्शन होने पर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपने आकार में ग्रोथ करता है, तथा इनके श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना, तथा इनके सिकुड़ने के कारण या सिकुड़ने पर जल जो होता है इनके पोर, यानी इसमें जो पोर पाए जाते हैं, जल इनके पोर द्वारा सेल के बाहर निकल जाता है। तो सेल के अंदर से जो वाटर एक्सेस हो गया उसको बॉडी के बाहर निकाला जा रहा है, किसके द्वारा निकाला जा रहा है साहब, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा निकाला जा रहा है ना, इसीलिए आप देखिए जल का कोशिका के अंदर से बाहर निकलना, दिस प्रोसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन, यही तो ऑस्मोरेगुलेशन है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को हम लोग एक बार देख लेते हैं, इससे अच्छा स्ट्रक्चर, मेरा स्ट्रक्चर अच्छा बनता नहीं है लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी अच्छा बनाने के लिए, अच्छा लग भी रहा यार। तो यहाँ पर देखिए जो पैरामीशियम है, इस पैरामीशियम में दो पोर्शन है, एक एंटीरियर पोर्शन है, एक पोस्टीरियर पोर्शन है। एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन, यानी एंटीरियर पोर्शन में आप बहुत सारा, यानी कि इसके सेल में बहुत सारा कह सकते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइक देखिए, इसकी अगर हम कवरिंग की बात करें तो उसके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं? पेलिकल। ये काफ़ी इलास्टिक होती है, लचीली होती है, और ये प्रोटेक्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा ये सुरक्षात्मक होती, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन फिर भी इसके लेवल पर बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक होती है, ठीक है, जिससे ये अपने आप को सुरक्षा महसूस करता है। अब देखिए ये जो पेलिकल है, इस पेलिकल के अंदर जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं इस पेलिकल को अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है कि जो पेलिकल है यहाँ पर एक उभारनुमा संरचना, गड्ढेनुमा रचना बना करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल ग्रूव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरल ग्रूव। इस ओरल ग्रूव से एक हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक नीचे की ओर एक लटका हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके कारण यहाँ पर एक, हम कह सकते हैं एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। देखो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है जिसको हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी नीचे की तरफ एक सॉलिन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोफेरिंग्स। और इस साइटोफेरिंग्स के अंदर होता है फूड वैक्यूल्स भरा हुआ। अब देखिए जो साइटोफेरिंग्स है ये ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखिए खुला ना, यहाँ से अरेंज हो रहा है, तो इसी कारण इस रीजन को हम लोग बोलते हैं साइटोसोम, दैट मींस पैरामीशियम का मुख। अब देखिए
यही पेलिकल थोड़ा सा नीचे की तरफ आप देखें तो अंदर की तरफ ये क्या किया है, धस गया है, अंदर की तरफ थोड़ा सा ये इन्वेलप हो गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल एनस, या इसको हम लोग बोलते हैं साइटोफाइज, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइटोफाइज। अब देखिए जो साइटोफाइज है इससे होगा क्या, इससे सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी इसके द्वारा जो हार्मफुल, हम कह सकते हैं हार्मफुल मटेरियल बनेगा, उसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए हम इसके अंदर जैसे एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हमको साइटोप्लाज्म मिलता है। तो साइटोप्लाज्म दो पोर्शन में डिवाइड रहता है, एक जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, दूसरा पोर्शन होता है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म बाहर की ओर रहता है, दैट मीन्स पेलिकल के अंदर रहता है, सेल के बाहर नहीं रहता, पेलिकल के ही अंदर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। और पेलिकल के और थोड़ा सा अंदर अगर आप जाएं, पेलिकल के साइड में, हम पेलिकल के अंदर भी नहीं कह सकते, पेलिकल की तरफ जो प्लाज्म पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, और पेलिकल से अंदर की तरफ जो प्लाज्म पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंडोप्लाज्म। अब ठीक है, अब समझ में आ रहा है। अब यहीं पर आप देखें कि ये जो पेलिकल होता है इसके ऊपर बहुत सारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दिस स्ट्रक्चर आर ऑल्सो कॉल्ड एज सीलिया, इसको हम लोग बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया, जो कि एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये लोकोमोशन में हेल्प कराता है, सहायता कराता है। तो लोकोमोशन, अब यहाँ पर देखिए इसका जो पोस्टीरियर एंड है, यहीं पर ये जो सीलिया है कुछ बड़े बड़े होते हैं, वैसे तो सीलिया बहुत ही माइन्यूट होता है, लेकिन इसके पोस्टीरियर एंड पर सीलिया थोड़े से लार्ज होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉडल टेल, दैट मीन्स इसके अंदर पुछ पाई जाती है, कह सकते हैं इसको हम लोग बोलें क्या, कॉडल टेल। अब देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, तो एक पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, एक एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, एक पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक एंटीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ 6 से 10 क्या पाई जाती हैं, रेडियल कैनाल पाई जाती हैं, इनमें पोर होता है, ये पोर क्या होता है, इस सेल मेम्ब्रेन से, या हम कह सकते हैं युग्लिना की मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, जैसे कि यहाँ पर वाटर ज़्यादा हो जाएगा ये अब्जॉर्ब कर लेगा, दैट मीन्स। अब यहाँ पर एक खास बात देखिए, जो एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है ये डायस्टोल कराता है, दैट मीन्स ये रिलैक्स स्टेज में आएगा, और ये सिस्टोल कराता है, दैट मीन्स पानी को सेल के बाहर भेज देगा, ये पानी को सेल के बाहर भेजेगा, ये पानी को सेल के अंदर लाएगा, हम कह सकते हैं सिस्टोल जो होता है भाई हार्ट, डायस्टोल सिस्टोल में ही चलता है। आपने कभी गौर किया है कि जो हमारा हार्ट होता है वो जब पंप करता है, कॉन्स्ट्रक्शन करता है, तो ब्लड हार्ट के बाहर जाता है, और जब वो रिलैक्सेशन स्टेज में आता है तो ब्लड जो बाहर गया वो अंदर नहीं आता, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि अब ये हार्ट वाले पोर्शन में देखिएगा जाकर के, बहुत डिटेल है, यहाँ पर ये मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, यहाँ पर नहीं पढ़ा है, आप लोग अगर कहेंगे तो मैं बना करके डाल दूंगा लेक्चर इंटर का, फिलहाल इधर आ जाएगा। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, तो पोस्टीरियर एंड पर भी क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, एंटीरियर एंड पर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। इनमें से आपको याद रखना है कि एंटीरियर एंड वाला जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ये डायस्टोलिक रीजन में रहता है, और पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सिस्टोलिक रीजन में रहता है, दैट मीन्स कॉन्स्ट्रक्शन ये कराता है, रिलैक्सेशन ये कराता है। अब देखिए इसके सेल के अंदर जैसे ही हम लोग आते हैं तो बहुत सारा फूड मटेरियल पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल, एक फॉर्म में पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल, और ये फूड जो होता है वो ग्लाइकोजन या पैराग्लाइकोजन के रूप में रह सकता है। अब देखिए इसमें दो टाइप का न्यूक्लियस होता है, कितने टाइप का न्यूक्लियस होता है, दो टाइप का न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है। जो बड़ा न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस, जो कि कैसा मैंने बताया था, हाँ हाँ बिल्कुल सही, किडनी शेप, कैसा बताया था, किडनी शेप, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन कराए, सॉरी ये कंट्रोल करेगा सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, और ये माइक्रोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, ये भी इसको सहायता देता है कि भैया आप काम करते रहिए, हम भी आपके साथ साथ में हैं, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्शन जब हम लोग देखेंगे तो रिप्रोडक्शन में दोनों न्यूक्लियस का बहुत ही बड़ा रोल होता है, जिसके कारण ही पैरामीशियम के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, ठीक है। इनके अंदर जेनेटिक्स का लेवल चेंज होता रहता है, और ये प्रोसेस हम लोग देखेंगे कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन में ज़्यादातर ये क्या होता है, न्यूक्लियस का मेथड रहता है। चलिए तो रिप्रोडक्शन इसके बाद में हमको देखना है, वो रिप्रोडक्शन में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये पार्ट 2 समझ में आया होगा पैरामीशियम का, तो आशा करते हैं, फिलहाल तो यही कि आपको समझ में आया है, और अगर आया है तो लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप नए व्यूअर हैं, ठीक है, तो आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे आपका और आपके जो मित्र हैं उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके, और यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉर्म में मैं लेक्चर अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका पार्ट जब 3 देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम।
पैरामीशियम के अंदर हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो थैंक्स अ लॉट।